धोपीस डिस्टेंस से 4.7 के क्वार्टर वाट में, धोपीस डिस्टेंस से 10 के, इक्वीस डिस्टेंस 20 के से 22 के तक लगा सकते हैं, इक्वीस डिस्टेंस 10 के से 12 के तक लगा सकते हैं, इक्वीस डिस्टेंस से 1.2 के, धोपीस डिस्टेंस से 100 ओम, एक पीस डिस्टेंस से 220 ओम, तीन पीस डायोड है 1N4007, एक पीस कैपेसिटर है 1NF, एक पीस कैपेसिटर है 10 PF, एक पीस डिस्टेंस है 330 ओम 1 वाट में, दो पीस ट्रांजिस्टर है 2N5401, एक पीस ट्रांजिस्टर है BD140, एक पीस ट्रांजिस्टर है BD139, एक पीस ट्रांजिस्टर है A1837, एक पीस ट्रांजिस्टर है C4793, एक पीस 2-pin XLHB सॉकेट है 2.54mm का, एक पीस कैपेसिटर है 1UF 50 वोल्ट में, एक पीस कैपेसिटर है 220UF 25 वोल्ट में, एक पीस 2-pin स्क्रू टर्मिनल वाले स्पीकर आउटपुट के लिए, एक पीस 3-pin स्क्रू टर्मिनल वाले पावर इनपुट के लिए, दो पीस ट्रांजिस्टर है 2AC5200, दो पीस ट्रांजिस्टर है 2AC1943, चार पीस डिस्टेंस है 0.33 ओम 5 वाट में। मेन ट्रांजिस्टर्स के पीछे हमने कोई भी हीट सिंक यूज़ नहीं किया है, पर आपको जरूर से यूज़ करना है। इस बोर्ड के लिए आप 247 50 वोल्ट के कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं और आप 18018 वोल्ट से 30030 वोल्ट के ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं 5 से 6 एम्पियर में। ये ब्लूटूथ प्री एम्पलीफायर है जिससे कि मैं इस बोर्ड में ऑडियो इनपुट करूंगा, और ये 47 के का सिंगल पोटेंशियोमीटर है जिस पर हमने स्टूडियो टू मोनो का कनेक्शन कर लिए हैं। फिलहाल इस 30 वोल्ट के सर्वर के इस बोर्ड की टेस्टिंग के लिए यूज़ करने वाला हूं, और अभी हम इस बोर्ड का साउंड क्वालिटी टेस्ट करेंगे।